नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले साल किस प्रकार से हमने चीज़ें डिस्कस की थी, किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए तो क्यों और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं। मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई किया जा सके और फ्यूचर में कोई गलती ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक ढंग से अटेम्प्ट कर पाएँ, ये इंश्योर करना। देखो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 3 से 4 बार हमने ये डिस्कस किया था। 20 अक्टूबर की वीडियो में एक इंडेक्स की वीडियो पेपर से पहले डाली थी, वहाँ पर भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन, इस क्वेश्चन को भी आपने आसानी से सोल्व कर दिया होगा। 8 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम बूस्टर की वीडियो के अलावा 2-3 बार और भी हमने डिस्कस किया था। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये आता है नीति आयोग के अंडर। तीसरे नंबर पे हम बात करें तानसेन की। देखो, तानसेन वाला जो क्वेश्चन था, सीधा सीधा हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि तानसेन का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, लेकिन आप बाकी तीनों ऑप्शंस को देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ये तीनों ही ऑप्शंस में जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था 28 दिसंबर 2018 को, जो हमारी प्रीलिम बूस्टर की वीडियो थी। तो अगर ये तीन ऑप्शन सही हो जाते हैं तो बच जाता है पहला ऑप्शन। तो कहने का एसेंस ये हुआ कि सीधा सीधा नहीं सोल्व होता था ये क्वेश्चन, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस में जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की थी, बाकी एक ही जो ऑप्शन है वो बच जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। उसके बाद है माइक्रोबीट्स। माइक्रोबीट्स देखो रिलेटिवली पुराना था, इसको हमने डिस्कस किया था 11 जनवरी 2018 को। यूपीएससी अब एक साल के करंट अफेयर्स पर नहीं फोकस करती है। पिछली बार भी यूपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन एक साल से पुराने करंट अफेयर्स से संबंधित पूछे थे और इस बार भी कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो आप एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, जो लोग 2020 में पेपर देंगे और जिन्होंने पुरानी वीडियोज देखी हैं, पिछले साल की वीडियोज देखी हैं, तो आप पीडीएफ की सहायता से या फिर वीडियो की सहायता से उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और अंतिम समय तक नहीं छोड़िएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगली बार जब 2020 में प्रीलिम का एग्जाम आएगा मई में, सिर्फ तभी रिवाइज करेंगे। नहीं, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो समय समय पे उनको आप रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ की सहायता से जल्दी वीडियोस रिवाइज हो जाती हैं, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। 2 साल के करंट अफेयर्स अगर आप करोगे 2020 के अटेम्प्ट के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो अभी पूरा साल पड़ा है। अभी से आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के चलोगे कि मुझे 2 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, तो अभी इस स्ट्रेटजी को आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन दिसंबर जनवरी के बाद अब अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे तो पिछले साल के करंट अफेयर भी करने हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो सिर्फ 1 साल के करंट अफेयर करने के बजाय आप 2 साल के करंट अफेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा स्कोर करने की संभावना रहेगी। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो हमने डिस्कस किया था, वहां से देखो 2 क्वेश्चन आए। कल्याण मंडपा के बारे में हमने डिस्कस किया था और पेंटिंग्स जब हमने डिस्कस की थी आर्ट एंड कल्चर में, तो जहांगीर के समय में पेंटिंग्स की हम बात कर रहे थे। पोर्ट्रेट देखो, ये आपको बना के भी दिखाया था कि पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग्स बनने लगी थी जहांगीर के समय में। तो इन क्वेश्चंस को आपने आसानी से सोल्व कर दिया होगा। देखो, जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको परेशानी आई तो आप जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये परेशानी आई, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस तो सोल्व होने चाहिए थे। उसके बाद क्वेश्चन है इस प्रकार का कि कहाँ पे कावेरी रिवर में मसीर मिलती है, इरावड़ी डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है, चंबल रिवर में सही या फिर गलत। देखो, रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में हमने कभी सीधा सीधा डिस्कस नहीं किया। वैसे हमने इन्वायरमेंट काफी सारा डिस्कस किया, कहीं छोटा मोटा नाम आया हो कि स्पॉटेड कैट यहाँ पे मिलती है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डॉल्फिन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने इनडायरेक्टली ये डिस्कस किया था कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वहां पे जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो मिलती है, इरावड़ी डॉल्फिन नहीं मिलती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हम यूज करें तो फिर ये सेकंड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड एलिमिनेट हो जाए तो सिर्फ 1 और 3 बचता है, सी इसका आंसर हो जाता है। मसीर के बारे में वैसे हमने डिस्कस किया था कि ये कावेरी रिवर में मिलती है। दिक्कत देखो ये होती है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। जब भी हम कभी नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो पूरी लिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पे एलिफेंट, वाइल्ड पिग ये सब मिलते हैं, लेकिन
बहुत सारे नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम डिस्कस करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ये काफ़ी बार लिस्ट होती है, तो याद करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो खैर, डॉल्फिन की इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था, तो आप बताइएगा सोल्व हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियाटिक लाइन, देखो एशियाटिक लाइन के बारे में हमने काफ़ी बार आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, एडिटोरियल डिस्कशन में भी और प्रीलिम बूस्टर में भी, और ये इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी कि एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। तो पहला जो ये स्टेटमेंट है वो तो सही हो जाता है, नो डाउट, क्योंकि आपको भी ये पता होगा। देखो राइनो के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, लेकिन हमने ये कभी नहीं डिस्कस किया कि राइनो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमने काफ़ी डिस्कस की कि 2/3 जो राइनोज हैं वो तो सिर्फ काजीरंगा में हैं, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कोई बाढ़ आ जाए तो सारे जो राइनोज हैं उनकी डेथ ना हो जाए, इसलिए राइनोज को किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाए। लेकिन 2019 के करंट अफेयर्स में मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि हमने ये डिस्कस किया हो कि वन हॉर्न राइनो इंडिया के अलावा दूसरी जगह पे भी मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं। अगर हमने कभी ये डिस्कस किया हो कि राइनो इंडिया के अलावा नेपाल में भी मिलते हैं, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो डबल हम कैमल है इसके बारे में तो हमने कभी नहीं डिस्कस किया था। उसके बाद ये हमने ऑलमोस्ट दो बार डिस्कस किया था, जो CS9 प्रोटीन है ये किस काम आता है, तो ये तो आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा, इसको सोल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हाँ ये क्वेश्चन देखिए, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, क्या किसी हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं ठहरा सकती। अब देखो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन यूज करना था, हमने ये काफी बार डिस्कस किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को इनवैलिडेट किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का पलट दिया था, लेकिन हाल ही में फिर से सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया। तो देखो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करनी थी, आपको कोई एग्जाम्पल ढूंढना था कि कभी हाई कोर्ट ने सेंट्रल लॉ को इनवैलिडेट करार दिया है या फिर नहीं दिया है। अगर एग्जाम्पल आपके दिमाग में नहीं आता है तो देखो लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा ही होगा कि हाईकोर्ट के पास ये पावर है, लेकिन करंट अफेयर के बेस पे हम सोचें तो सेक्शन 377 का एग्जाम्पल याद करके या फिर इवन बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट को इनवैलिडेट किया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये एग्जाम्पल याद करके और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें याद करके ये जो ऑप्शन है पहली स्टेटमेंट है इसे ठीक किया जा सकता था कि हाँ भाई हाईकोर्ट के पास ऐसी पावर है, ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। और दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल थी, काफी बार हमने ये डिस्कस किया था, NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, इसे इनवैलिडेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इनवैलिडेट करार दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लेकिन एडिटोरियल की डिस्कशन से कंसेप्ट बनता था और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। उसके बाद हाँ ये मैपिंग का क्वेश्चन तो देखो आसान था, कैस्पियन सी को हमने डिस्कस किया था 15 अगस्त की वीडियो में, आसपास के देशों के बारे में डिस्कस किया था, एक मैंने आपको कोड भी बताया था याद करने का, कितार की सहायता से आप ये याद कर सकते थे कैस्पियन सी के आसपास कौन से देश आते हैं, और सीरिया, इन सब देशों को हम डिस्कस करते ही रहते हैं, जब भी एडिटोरियल की डिस्कशन में कोई आर्टिकल आता है मैप भी हम देखते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। बाकी कोई आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ये परेशानी आई है। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट वीडियो कौन से दिन कौन से समय हमने ये डिस्कस किया था ये मुझे नहीं मिला है, अगर आपको याद हो तो आप जरूर बताइएगा। वैसे 20 अगस्त 2018 की PDF में पार्टिसिपेटरी नोट गिवन है। इकोनॉमिक्स में भी आपने पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में पढ़ा होगा और ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 13 नंबर पे है नाइट्रोजन पोल्यूशन से संबंधित आर्टिकल, ये हमने 8 मार्च 2019 को डिस्कस किया था। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 जो सब इंडेक्स हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये देखो सब इंडेक्स 10 हमने डिस्कस किए थे 8 फरवरी 2019 की एडिटोरियल डिस्कशन में। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ लैंड ऑर्डर कहीं नहीं है, बाकी सब है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्सेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अब देखो दिक्कत पता क्या है, थोड़ा सा यूपीएससी ने अपना जो दायरा है वो इंक्रीज कर लिया है, पहले सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 3
इंडिकेटर हैं उनके बारे में यूपीएससी पूछा करती थी, धीरे धीरे चार पे आई, जैसे हंगर इंडेक्स में चार इंडिकेटर हैं, अब यूपीएससी 10 पे आ गई है। दिक्कत ये है, अब इस प्रकार के काफ़ी सारे इंडेक्स हैं और उनके जो पैरामीटर हैं वो भी काफ़ी हैं जिनके बेस पे इंडेक्स तैयार किया जाता है, किसी में तो 12 हैं 15 हैं, तो सबको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गलत बात है कि यूपीएससी इतना ज़्यादा फैक्चुअल पे फोकस कर रही है, इतने इतने इंडेक्स हैं, अब उनके जो इंडेक्सेस हैं उनके किन पैरामीटर्स के आधार पर वो तैयार किया जाता है वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये अनफेयर है। उसके बाद क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से संबंधित आर्टिकल का। देखो ये एक्चुअल में अमेंडमेंट आई इसलिए फिर से सुर्खियों में आया था। अब यहाँ पे ना आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एंटरप्राइजेस विद क्रैचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैच विजिट्स डेली। थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा कि जिन एंटरप्राइजेस में क्रैचेस हैं वहां पर मदर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो क्रैच में एक बार, एक दिन में कम से कम 6 बार जाने दें। ये आपको लगता नहीं कि मतलब मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस वाली बात हो जाती है, सरकार एग्जैक्टली इस प्रकार का इतना स्पेसिफिक प्रोविजन करेगी? तो ये गलत था, इस प्रकार का कोई प्रोविजन सरकार ने ना तो किया था और ना ही हमने ये डिस्कस किया था। तो सेकंड को अगर आप गलत मानो तो ही ये क्वेश्चन ठीक हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस को यूज़ किया जाता या फिर कॉन्फिडेंस को यूज़ किया जाता। देखो हमेशा हम ये बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैंने पूरा पढ़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि भाई मैं पूरा पढ़ के आया हूँ और मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट कभी भी नहीं सुनी है जिंदगी में। मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट कभी भी नहीं पढ़ी है, तो उसको एलिमिनेट अगर वो पर्सन कर देगा तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर यूं लगता है मन में कि यार आधा अधूरा पढ़ा है, हो सकता है ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो, मैंने पढ़ी नहीं हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो अपने आप पे विश्वास रखे कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैंने आज तक ये कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, 19 जून 2018 की वीडियो में स्पेसिफिकली हमने इसे डिस्कस किया था और एडिटोरियल की वीडियो में तो ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसका भी देखो यही हाल है, स्पेसिफिक हमने ये डिस्कस किया था 25 जुलाई 2018 की एडिटोरियल डिस्कशन की वीडियो में। लेकिन काफ़ी बार जब भी एनपीए के बारे में आता था तो कुछ ना कुछ जिक्र होता था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में, तो जिसने एडिटोरियल डिस्कशन काफ़ी ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट इससे संबंधित आया था जो सुनील मेहता की रिकमेंडेशन के बाद लागू किया गया था, शायद प्रोजेक्ट सशक्त था, तभी हमने इसे डिस्कस किया था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में। तो आप जरूर ध्यान से देखिए और बताइए कि इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाए या फिर नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या गलतियां हुई हैं, फ्यूचर में उन गलतियों को अवॉइड किया जा सके। और आप ये भी बताइएगा कि नहीं कर पाए तो उसके रीजंस क्या हैं, ताकि हम भी उसी प्रकार से डिस्कशन में चेंजेस ला सकें। उसके बाद क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन था, देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आसान क्वेश्चन था और ये आपने गलत भी नहीं किया होगा, काफी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 12 नवंबर 2018 को, सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था, नहीं दिक्कत आई होगी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 20वां, हाँ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, देखो इस क्वेश्चन में हमने ये नहीं डिस्कस किया था, जेनेटिक रीजंस की वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होता है या फिर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना था। अब देखो ये ऐसी संभावना तो हमेशा रहेगी, मतलब फ्यूचर में भी ऐसा इंश्योर तो नहीं होने वाला है, कितना भी पढ़ लीजिए ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको डायरेक्टली आते होंगे। दिमाग की जो एप्लीकेशन है वो तो देखो लगानी ही होगी, सोचना तो वहां पे पड़ेगा ही, कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित। देखो एग्जैक्टली ये नाम हमने नहीं डिस्कस किया, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज, लेकिन रशिया से संबंधित आर्टिकल जब हमने डिस्कस किया था तो न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित हमने चीजें डिस्कस की थी, तो अंदाजा लग सकता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होने की संभावना थी जापान और रशिया के बीच। शायद आप भी कंफ्यूज हुए होंगे जापान और रशिया के बीच, क्या आपके दिमाग में चला?
पेपर करते वक्त आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन ठीक हुआ या फिर गलत हुआ, किस वजह से ठीक हुआ या फिर गलत हुआ, आप जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगस्त्य माल्या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे, जब हमने ये पीक के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय देखो मैंने आपको बताया था नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और ये ऊपर वाला ऑप्शन देखोगे तो नियर पहले ही मिल जाता है, तो इसको देखते ही ये पहले वाला टिक मार्क करने का मन करता है और यही जो है वो सही आंसर है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसी वजह से वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस आर्टिकल को सुना था और नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उन्होंने सुन के रखा था, और पहले ऑप्शन में ही नियर देखते ही बाकी जो इतने सारे टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्वेबल था लेकिन इतना भी आसान नहीं था। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 31B। आपको याद होगा एक हमने बहुत डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया था संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, तो उस समय हमने ये डिस्कस किया था कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय 9th शेड्यूल ऐड किया गया था क्योंकि लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता थी। तो ये भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सोल्वेबल क्वेश्चन था, इसको सोल्व किया जा सकता था। उसके बाद बैम्बू से संबंधित हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। आप वैसे देखो आर्टिकल्स ना भी डिस्कस किए हो तो आप पहली स्टेटमेंट को सोच के देखिए कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में रिसेंट अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि फॉरेस्ट एरियाज में अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, मतलब फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको बैम्बू को गिराने का अधिकार है। अब देखो फॉरेस्ट एरियाज में बैम्बू को गिराने का अधिकार मिल जाएगा फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, तो फिर कोई भी बैम्बू बचेगा, सारे के सारे जो बैम्बू हैं उनको तो गिरा ही दिया जाएगा बैम्बू जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके द्वारा, और बेच दिया जाएगा, कोई बैम्बू बचेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा आपको अजीब जरूर लगेगा अगर आप इस स्टेटमेंट के बारे में सोचोगे। तो अगर आप वन को एलिमिनेट कर देते हो तो उसके बाद बी और सी बचते हैं, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तो सुर्खियों में था, हमने काफी बार इसे डिस्कस भी किया था, और जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में हमने डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि उनके पास अधिकार है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का, और बैम्बू जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है डेटा से संबंधित, ये हमने 26 मार्च 2018 की वीडियो में डिस्कस किया था। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, तो देख लो 26 मार्च 2018 का ये करंट अफेयर है। दो चीजें यहां से निकलती हैं, एक तो सिर्फ एक साल के करंट अफेयर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, दूसरा एडिटोरियल के जो डिस्कशन है वो भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए जितनी प्रीलिम बूस्टर की वीडियो है। उसके बाद 22 जनवरी 2018 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड नहीं है संविधान में। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, द वर्ड ऑफिस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। देखो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इस साल के करंट अफेयर में ज्यादा नहीं था, पिछले साल के करंट अफेयर में बहुत ज्यादा था ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो इशू था। उसके बाद है शेड्यूल फाइव, तो देखो आपने लक्ष्मीकांत में वैसे पढ़ा ही होगा, और ट्राइबल एरियाज की जब भी बात आती है तो ये दो तीन पॉइंट हम देख लेते हैं, जाजा कमेटी और आर्टिकल 19(5) या फिर शेड्यूल 6, ये जो आर्टिकल्स हैं वो ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन से संबंधित हैं, तो इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा एडिटोरियल डिस्कशन में, तो उसके बेस पर यह क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था 5th शेड्यूल। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी से संबंधित, ये देखो 26 फरवरी 2019 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इन इंडिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ए डेकेड एगो, 10 साल पहले हेपेटाइटिस बी के लिए दवाई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो अब बी स्टेटमेंट देखो, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहां पे नोट करेक्ट पूछा है, क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता था आसानी से। उसके बाद यहां पर दूसरी स्टेटमेंट तो हमने काफी बार डिस्कस की, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। सबसे लास्ट में है रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन नीचे के दो ये जो ऑप्शंस है ना वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010, इनके बारे में हमने कभी नहीं डिस्कस किया था,
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। और देखो इन रूल्स को इतना ज़्यादा डिटेल से डिस्कस काफ़ी बार कर भी नहीं सकते। अब जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो बहुत बड़ा है, उसी प्रकार से ये रूल्स भी बहुत बड़े हैं। अगर 50 पेजों के रूल्स हैं, अगर 6-7 रूल हम डिस्कस भी कर लें एक स्लाइड में तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा देखो एडिटोरियल की डिस्कशन में हमने बहुत से कंसेप्ट ऐसे डिस्कस किए थे, जैसे रुपी जो है वो डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हैं कि करेंसी कोई कैसे डेप्रिशिएट होती है या फिर अप्रिशिएट होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था जब भी इकोनॉमी का आर्टिकल आता है या फिर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करती है तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है, टूल्स क्या हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, कब आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाती है कब नहीं अपनाती है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडिटोरियल की जो डिस्कशन है जिससे कंसेप्ट बनते हैं उस वीडियो की इम्पोर्टेंस अब काफ़ी ज़्यादा है प्रीलिम के लिए भी। खैर इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये काम आप जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर बताइएगा क्वेश्चंस को आप सोल्व नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, मतलब प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए, सिली मिस्टेक हो गई या फिर कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आई, जो भी रीजन हो आप उनके बारे में लिखिएगा ताकि अगर डिस्कशन में किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता हो तो वो हम कर सकें। थैंक यू।